Goosebumps, goosebumps, goosebumps. I don't like it. I avoid. But goosebumps likes me. I can't avoid. दोस्तों इस टाइम जितने भी KGF Chapter 2 के फैंस हैं उनकी कुछ इसी टाइप की कंडीशन चल रही है. वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका. मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे. दोस्तों KGF Chapter 2 ने ना यार बहुत लंबा वेट करवाया, बहुत ज़्यादा वेट करवाया, लेकिन जब ये आई तो इसने उससे डबल ट्रिपल बवाल मचा दिया. मीन्स के जो भी KGF Chapter 2 को थिएटर के अंदर देख रहा है और थिएटर में देख के बाहर आ रहा है तो उसके माइंड में दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा. लेकिन जो मेजर क्वेश्चन है वो यही है कि यार क्या KGF Chapter 3 भी आएगी. सबसे बड़ा सवाल तो ये है. और दूसरा कि यार क्या सलार KGF के साथ कनेक्ट होने वाली है. कैसे कैसे कनेक्ट हो सकती है, वो तो प्रभास की फिल्म है तो क्या होने वाला है. तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ. इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊँगा कि सलार मूवी KGF के साथ कैसे कनेक्ट है, सलार में हमें क्या स्टोरी देखने को मिलने वाली है और क्या सलार में रॉकी भाई का भी कोई सीन आने वाला है या नहीं. तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर नहीं किया तो भाई अब नहीं समझ आएगी आपको. एक सीन भी मिस कर दिया तो बाद में सोचते रहोगे कि यार ये इस बंदे ने क्या बोल दिया है. दैट्स व्हाई वीडियो को कंप्लीट वॉच करो और चिल करो. तो देखिए दोस्तों सलार KGF के साथ या KGF सलार के साथ कैसे कनेक्ट है, इस पे आपने काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपने काफी सारे पॉइंट से सुने भी होंगे. लेकिन इस वीडियो के अंदर, मेरी वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा और मैक्सिमम ऑडियंस को ये पॉइंट पता भी नहीं होगा. मुझे भी नहीं पता था, बिलीव मी मुझे भी नहीं पता था. मुझे कल ही एक भाई ने बताया. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई थैंक यू वेरी मच. खैर दोस्तों ऐसा भी नहीं है, काफी ज्यादा ऑडियंस को ये पॉइंट पता भी होगा. अब चलते हैं पॉइंट की तरफ कि भाई क्या पॉइंट लगा हुआ है. तो सीन ये है कि अक्टूबर 23, जी हां 23 अक्टूबर 2021 को प्रशांत नील ने खुद ही अनाउंस कर दिया था कि सलार और KGF आपस में कनेक्टेड हैं. उन्होंने मीन्स के साफ खुल के नहीं बताया, कोई भी डायरेक्टर खुल के नहीं बताया कि हाँ भाई ये ऐसे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, नहीं तो फ़ायदा फिर मूवी बनाने का जब सब कुछ पहले ही स्पॉइल कर दो तो. लेकिन उन्होंने अनाउंस किया कि सलार और KGF आपस में कनेक्टेड हैं. अब उन्होंने कैसे अनाउंस किया, तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को एक पोस्टर रिलीज़ किया. उस पोस्टर में दोस्तों लिखा हुआ था विशिंग आवर कमांडर प्रभास, विशिंग अवर कमांडर प्रभास. और दोस्तों वो एक बेसिकली पोस्टर था. उस पोस्टर में दोस्तों सलार को इंट्रोड्यूस करवाया गया और दोस्तों उस पोस्टर के एक कॉर्नर पर लिखा हुआ था होम्बले और गैस दूसरे कॉर्नर पर क्या लिखा हुआ था, मेकर्स ऑफ द KGF, मेकर्स ऑफ द KGF. तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भाई इस पोस्टर से क्या प्रूफ हो रहा है, कैसे प्रूफ हो रहा है कि सलार और KGF आपस में कनेक्टेड है. तो मैं बताता हूँ ना मैं किस लिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ ना. तो देखिए दोस्तों सीन यह है कि अगर आपने KGF Chapter 2 देखी हो, जिन भाइयों ने नहीं देखी तो उनके लिए ये अब भी से वीडियो नहीं है, कट कर दो, पहले जाओ KGF Chapter 2 देखो, देन उसके बाद ये वीडियो आप लोग यहीं से स्टार्ट कर लेना. खैर अब अगर आपने KGF Chapter 2 देखी हो तो फिर इस लड़के से तो ज़रूर आपकी मुलाकात हुई होगी. इस पे दोस्तों हमने कल भी बात की, आज भी बात करना बहुत जरूरी है. इस लड़के को तो दोस्तों आप सब जरूर जानते होंगे, रॉकी भाई का इससे बड़ा फैन मूवी के अंदर कोई नहीं है. हाँ फिजिकली हम में से तो बहुत से फैन है लेकिन मूवी के अंदर इससे बड़ा KGF का कोई भी फैन नहीं, रॉकी का कोई भी फैन नहीं है. ये रॉकी के लिए कुछ भी कर सकता है, पूरी की पूरी अधीरा की आर्मी के सामने ये खड़ा होता है. मीन्स के रॉकी को ये सब कुछ मानता है, रॉकी के लिए ये कुछ भी कर सकता है. तो हम यहाँ से दोस्तों साफ और साफ क्लियर हो जाता है कि ये रॉकी का कमांडर होता है. मींस के रॉकी के बाद जो KGF को संभालेगा ऑफकोर्स वो ये लड़का होगा, क्योंकि इसमें वो सारी की सारी एबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशल ट्रेनिंग लेके आया होता है और जो अधीरा की पूरी आर्मी के सामने खड़ा हो जाए वो दोस्तों क्या कर सकता है. खैर ये तो थी एक सेकेंड बात, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो ये कि जब अधीरा KGF पे अटैक करता है तो वो इस लड़के को मार देता है, इस लड़के को मार देता है. लेकिन 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 जब सारी की सारी डेड बॉडीज़ को वापस लाया जाता है तो उन डेड बॉडीज़ में इस लड़के की डेड बॉडी नहीं होती, ना ही इसे मरते हुए दिखाया जाता है, ना ही इसकी डेड बॉडी वापस लाई जाती है. तो कहाँ गई इसकी डेड बॉडी,
इसको तो मरते हुए दिखाया भी नहीं था, तो ये कैसे मर सकता है? और उसके बाद ये अचानक से गायब कहाँ हो गया? तो इस चीज़ से डेफिनेटली दोस्तों प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं रॉकी भाई ने इसे साइड पे रखा हुआ है। किस वजह से? दोस्तों सलार की वजह से। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअली में सलार की स्टोरी किस टाइप की होने वाली है। देखिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ कि सलार की स्टोरी दोस्तों ये हो सकती है। देखिए दोस्तों, सीन ये है कि अब आपको भी पता है कि KGF चैप्टर 2 के अंदर लास्ट तक KGF जो है वो सारा का सारा एंड हो गया था, तबाह हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। मींस कि KGF के अंदर सारी गोल्ड माइंस ख़त्म, कुछ भी नहीं वहाँ पे बचा था, सब कुछ एंड हो गया था। मींस कि अगर वहाँ से अब अगर KGF को दोबारा बनाया जाए तो बिल्कुल स्टार्ट, मींस कि शुरू से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि KGF में कुछ बचा ही नहीं है भाई। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सलार के अंदर प्रभास अगेन KGF को मींस के वहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ नया वो बनाने की कोशिश करेंगे। मे बी उसका नाम KGF से कुछ और हो जाए, चांसेस है ना, क्योंकि प्रभास की फिल्म होने जा रही है, सलार होने जा रही है, तो मे बी उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया जाए। अब दोस्तों इसकी एक और रीज़न भी ये है कि जब ये लड़का KGF चैप्टर 2 में रॉकी का मीन्स के रॉकी का साथ देता है, तब भी वो KGF में क्या क्या करता है, मीन्स कभी इधर कभी इधर, तो उसको KGF का सारी, उसको KGF के बारे में सारा पता होता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ से दोस्तों क्लियर होता है कि प्रभास, एक तो वो प्रभास में सलार की जो स्टोरी होने जा रही है वो ऑफकोर्स KGF से स्टार्ट होगी, क्योंकि KGF तो ब्लास्ट हो चुका है तो उसे रीबिल्ड तो करना है ना, सोना कहाँ से आएगा। ऑफकोर्स स्टोरी सारी सोने की चल रही है, गोल्ड की चल रही है, तो उसे रीबिल्ड भी तो करना है। और KGF मेन पार्ट है, मीन्स के मेन फैक्ट्री है गोल्ड की, जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, तो उसे कौन कौन सेटिंग करेगा? ऑफकोर्स दोस्तों प्रभास, सलार। लेकिन अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि चलो ये तो समझ आ गई कि हाँ ये लड़का प्रभास ही है, सलार में KGF के साथ कनेक्टेड होने वाली है, और मे बी KGF को रीबिल्ड सलार यानी कि प्रभास करे, तो सलार में हमें क्या रॉकी भाई देखने को मिलने वाला है या नहीं, तो क्या होने वाला है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सलार के अंदर हमें रॉकी भाई का एक सीन देखने को मिले। अब कैसे देखने को मिले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सलार के अंदर रॉकी भाई की कोई एंट्री होगी, रॉकी भाई आएंगे, नहीं। सलार के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखने को मिलने वाला है कि कैसे, मीन्स के जो प्रभास हैं वो बताएंगे कि कैसे मुझे KGF चैप्टर 2 में मारा नहीं गया था, मैं बच गया था, मुझे रॉकी भाई ने ऐसे बचा लिया था, मुझे रॉकी भाई वहाँ पर ले गए थे, रॉकी भाई ने सब पूरी दुनिया से छुपा दिया था और थोड़ा सा साइड पे ले गए थे इस टाइम के लिए, मींस के सलार के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा सीन दिखाया जाएगा तो ऑफ कोर्स इस सीन में हमें रॉकी भाई भी देखने को मिलने वाले हैं, अगर तो दोस्तों ऐसा हो जाता है तो दोस्तों ये कुछ थ्योरीज थी मेरे माइंड में। आपके माइंड में कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो वैलिड थ्योरीज हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालो, जो मुझे सही लगेगी, वैलिड लगेगी, मैं उसे पिन भी करूंगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है? क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ सलार का टीजर भी आने वाला है। हाँ, टीजर में कुछ ज़्यादा तो स्पॉइल नहीं किया जाएगा, बस यही बताया जाएगा कि मोस्ट वायलेंस मैन है प्रभास सलार, और अगर कुछ हुआ दोस्तों तो हमें KGF का कोई ना कोई सीन तो देखने को मिल ही जाएगा टीजर में। तो चलो टीजर आता है तो देखते हैं। अभी तक यही वीडियो थी, ऑप्शन वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस हम आप लोग के लिए लाते ही रहते हैं। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।